ओम शांति। जो आपस में शिरखंड होकर नहीं रहते हैं, दैवी गुण धारण नहीं करते हैं, आपस में लून पानी होते रहते हैं, तो बताओ वो ऊंच पद कैसे पा सकेंगे? नहीं पा सकते ना। अब जो स्वभाव है उसका लून पानी का है, माना झगड़ा करने का स्वभाव। अगर झगड़ालू आत्मा है तो वो झगड़ा ढूंढ ही लेती है, तो ईश्वरीय सर्विस में बाधा पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो बाधा डालते हैं। ऊंच पद पाने के लिए उनको सारी तदबीर करके दी हुई है, वो सिर्फ अपनी तकदीर बनाने के लिए चलना है उसके ऊपर, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। आ तो गए हैं, अब कहीं बहुत आए होते लेकिन अपने संस्कार नहीं सुधार पाते हैं, तो ऊंच पद कैसे पालेंगे? कोई ऐसी चुटकी बजा के तो संस्कार नहीं खत्म हो जाते ना पुराने, उसके लिए मेहनत किस बात की है? देही अभिमानी अवस्था, वो जो भगवान समझाते हैं उस पर विचार भी तो करना है। वो दूसरों के लिए थोड़ा समझाते हैं, हमारे लिए समझाते हैं। क्लियर? अब उन्हें को यहां सर्विस कर लो मिलके, वो करेंगे नहीं, इसके साथ नहीं सेवा करनी हमने, क्योंकि आपस में उनकी बनती नहीं है। तो हुई ना बाधा, तो डली ना, तो उसका नतीजा क्या हुआ? करो विचार। जिसका नतीजा क्या होता है वह इतना ऊंच पद नहीं पा सकते। सुंदर मेला जरूर यहां ही होगा। ये पॉइंट बाबा क्यों समझाना चाहते हैं कि सर्वगुण संपन्न यहां बनना है, शीरखंड यहां बनना है, लून पानी यहां बन जाते हो जो नहीं बनना है। ईश्वरीय फैमिली टाइप के हो तो रूहानी स्नेह कैसा होना चाहिए, आपस में आत्मा देखने का अभ्यास कितना होना चाहिए जिससे वो रूहानी स्नेह आए। जो फैमिली है, ये सुंदर सा जो मेला लगता है, जरूर यहीं लगेगा ना, तो सर्वगुण संपन्न कहां बनना है? यहां बनना है। सबके साथ एडजस्ट कहां करना है? यहां करना है। सत्संग में जाके एडजस्ट करोगे वहां तो उतरोगे ही नहीं एडजस्टमेंट के लिए, वहां तो ऑलरेडी एडजस्ट हो, ऊपर ही पड़े रहो। इसीलिए सत्युग में उतरता ही वो है जिसने अपने अंदर गुणों को इतना धारण किया होता है, तो वो उतर आता है। ओम शांति।